साइबर सिटी गुरुग्राम के धनवानपुर इलाके में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब आपको बता रहे हैं कि निर्वाचन पार्षद नवीन दहिया अपने गैंगस्टर भाई के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाले दिनेश दहिया के परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते दिनेश दहिया के परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमला लाठी और डंडों के साथ किया गया था, साथ ही गोलियां भी चलाई गई। घायल हुए लोगों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाले पार्षद नवीन दहिया के परिवार सहित दर्जनों बदमाशों ने उनके घर पर पथराव शुरू कर दिया था। रोकने का प्रयास किया गया तो दिनेश दहिया के घर में घुसकर उनके परिवार के लोगों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई और कई राउंड फायर किए गए हैं। लोगों ने बताया कि इस दौरान उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया, जिस वजह से सभी गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इलाके में छावनी फिलहाल तब्दील की गई। साइबर सिटी गुरुग्राम रात 8:30 बजे गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा तो खूब जमकर लाठी डंडे यहां बरसाए गए। गुरुग्राम के धनवापुर गांव के अंदर दो गुटों में ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि दोनों गुटों ने एक दूसरे के ऊपर खूब लाठी डंडे बरसाए और आरोप यहां तक भी हैं कि यहां पर गोलियां भी चलाई गई हैं। अगर पुलिस की थ्योरी की बात करें तो पुलिस ने कई राउंड यहां से बरामद किए हैं गोलियों के, और साथ ही साथ इतना ज़्यादा झगड़ा यहां पर हुआ कि जो गाड़ियां यहां सड़कों पर खड़ी थी, गलियों में खड़ी थी, उन सभी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, और इस गाड़ी की कंडीशन को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गाड़ी को किसी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई थी। दूसरी तरफ आप जेसीबी की तस्वीर देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल जो है यहाँ पर हुआ है गली के अंदर, किस तरीके से पूरा झगड़ा हुआ है। झगड़ा करने का जो कारण था वो आपको बता दूं कि आपसी जो रंजिश है वो पुरानी दो गुटों में चली आ रही है। इसके अंदर जो नाम है वो निवर्तमान पार्षद नवीन भैया का आया है, उनके भाई सुनील उर्फ तोता का आया है, साथ ही साथ और जो उनके साथी हैं उनको लेकर के जो शिकायत है गुरुग्राम पुलिस को कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी का शीशा बयां कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ लोगों ने एक परिवार के ऊपर हमला किया और उसके बाद उस परिवार के लोगों ने और दोनों गुटों ने आपसी झगड़ा किस तरीके से हुआ है। गली के अंदर आप देख सकते हैं कितने ईंट और पत्थर जो पड़े हुए, ये सभी वो ईंट पत्थर हैं जो गवाही दे रहे हैं उस बवाल की जो कि यहाँ आज 8:30 बजे हुआ है। और आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर गाड़ियाँ भी देख पा रहे होंगे कि क्या हालत गाड़ी की हो चली है। ये वो घर है जिस घर की महिलाओं के साथ ये पूरा झगड़ा किया गया है। महिलाओं का कहना है कि अचानक कुछ लोग आए और उनके ऊपर पत्थरों से वार कर दिया, जिसमें बचाव के अंदर उनकी तरफ से भी कुछ हद तक पत्थरबाजी की गई, मगर ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने फिलहाल दोनों ही पक्षों को लेकर के जो जाँच शुरू कर दी है। और फिलहाल एक पक्ष की तरफ से गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दे दी गई है उनके किस तरीके से झगड़ा उसके ऊपर हुआ और किन लोगों ने झगड़ा किया, नामजद तरीके से पूरी शिकायत दी गई है और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। मगर ऐसे में दूसरे पक्ष की जो तलाश है वो गुरुग्राम पुलिस कर रही है, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले का, इस पूरे बवाल का कारण क्या रहा और गुरुग्राम पुलिस पूरे मामले के अंदर किस तरीके की कार्रवाई करती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़।